हैव कम सो फार, लेकिन अभी तक आपको एक रीजनल पावर करने के लिए भी जो मैं आपकी दुश्वारियां आपको आज बता रहा हूं, जो दुश्वारियां आपके लिए खड़ी, आपने डॉक्टर जयशंकर साहब ने कल फरमाया है कि जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी तो 50 कंट्रीज थे, 50 ममालिक थे जब यूनाइट, आज 193 मुल्क बन चुके हैं, 193 मुल्कों को छोड़ दें आप, मैंने कंट्री वो गिने हैं जो आपके आसपास है। आज मैं ये बात बिल्कुल कहूंगा जो मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि भारत के साथ आपके रिलेशनशिप खराब है, अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशनशिप, ईरान के साथ, चाइना के साथ, इन सारे मुल्क तो उसके जो कश्मीरी मिलिटेंट्स थे जिनको वो कहते हैं कि ये कश्मीर के अंदर जिहाद करते रहे हैं, वो उनको चुन चुन के मार रहे हैं। तार साहब बड़ा कॉन्फिडेंस है इंडियन डीप स्टेट के अंदर कि कभी वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी वो कनाडा पहुंच जाते हैं, वो पाकिस्तान आ जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ खबरें बताते रहते हैं। हमारे लोगों का किधर ध्यान है तारड़ साहब? आपके नेबरिंग कंट्री से लोग उठ के आपके मुल्क में आके आपके लोगों को मार के चला जाए और ये अखबार में सुर्खियां लगा रहे हैं, हमारा आप अपने लोगों को तारड़ साहब नहीं बचा सकते क्या? नहीं चीमा साहब, वो दर हकीकत आज मैंने भी वो गार्डियन की स्टोरी पढ़ी है, बल्कि और भी आज कई नई डेवलपमेंट है जो आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, बिल्कुल वो आपने बिल्कुल सही कहा है उसमें। लेकिन इसी डीप स्टेट के इन चीजों की वजह से अगर देखा जाए तो आज मैं बल्कि थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं आज डॉक्टर जयशंकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जो उन्होंने जाके साउथ इंडिया में, वो जो उनके वहां बीजेपी के राजीव है कैंडिडेट, उनकी सपोर्ट में जाके उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मुझे फिर उसमें उस वहां मेरे लिए आज जो तश्वीशनाक बात है, एक तो ये गार्डियन का आर्टिकल मेरे लिए तश्वीशनाक है, उसकी वजह यह है कि इसकी टाइमिंग आपने पहले देखा होगा कि पन्नू साहब के हवाले से जर्मनी और अमेरिका का जो जिसके जिसकी वजह से डिमार्च भी करना पड़ा है वो कि ये इंटरफेरेंस का हो रही है। उसके बाद आज गार्डियन ने जो जो आर्टिकल लिखा है ये भी उसी कड़ी का एक शिकार है। एक क्वेश्चन बल्कि किया गया है डॉक्टर जयशंकर साहब से पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हम मुंबई को किस तरह भूल जाए जो मुंबई में हुआ था। अब मैं उसमें जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ डॉक्टर जयशंकर, कोई शक नहीं है, मैं बल्कि मैं कहता हूँ कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से एडवोकेट उन्होंने किया है मेरा ख्याल आज तक किसी ने नहीं किया होगा। बल्कि आज वो वहां पे बैठे थे तो खलीज के साथ अपने रिलेशनशिप बिलखसूस साउथ इंडिया के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा जी कि हमारे 2014 से पहले जो मोदी साहब के 10 साल है उससे पहले कोई भारतीय वज़ीर-ए-आज़म आज तक यूएई नहीं गया। हम देखें कितनी दफा गए हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब ने लिए हैं, वहां पे मंदिर बना है, मैं टोटली एग्री करता हूं। लेकिन जो मैं एक तो ये गार्डियन का आर्टिकल है, पन्नू के साथ जो है अगले दिन अमेरिकन एम्बेसडर रेड लाइन ड्रा कर गया है अगले दिन। फिर उसके बाद जो एक नई चीज है कि इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतता है अपना ओथ लेने से पहले चाइना चला जाता है। आज ये क्वेश्चन उनसे बांग्लादेश का बायकॉट करने का भी बात की, उन्होंने डाउन प्ले किया उसको, है ठीक है, लेकिन डायलॉग शुरू हो चुका है। मैं एज ए बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन करूंगा कि भारत का प्लान बी क्या है? मालदीव छोड़ गया है आपको, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर इंडिया जा चुका है, चाइना चला गया है, नेपाल का चला गया है। बल्कि आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही बातें की हैं। वो बातें क्या है? उन्होंने कहा जी नेपाल को हम हमेशा रेस्क्यू करते हैं, कोविड की हमने उन्हें वैक्सीनेशन दी, श्रीलंका बैंकरप्सी पे गए हमने उनको रेस्क्यू किया, बांग्लादेश हमने रेस्क्यू किया, मालदीप को पानी के ये रेस्क्यू करते रहे। टोटली अग्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने साथ ये क्वेश्चन किया इनको सोचना चाहिए कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम हैं, इनको मदद ये करते, लेकिन डॉलर मिलते हैं चाइना से, उनको पैसा फेंकता है चाइना। आपका प्लान भी क्या है? सोचते होंगे वो। देखिए ना, आजकल दौर ऐसा आ चुका है चीमा साहब, अब मुमालिक जो है अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, वहां से वो माल ज्यादा फेंकता होगा वो जा रहे हैं। आपका प्लान भी क्या है? मेरा ये क्वेश्चन है पाकिस्तान के हवाले से। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ठीक है, मैं मुसलसल इस चीज को वॉच कर रहा हूं, आइदर इस पोलिटिकल आइदर इस इलेक्शन। डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा है, हम मुंबई को किस तरह भूल जाएंगे, फिर पाकिस्तानियों के पास आके पूछे तो वो 1971 वो किस तरह भूल जाएंगे। सोचने वाली बात है कि उनके भी अगर दूसरी साइड से स्टोरी देखी जाए तो वो भी 1971 पे खड़े हैं, वो 370 पे खड़े हैं कश्मीर के। देखिए ना, मैं हमेशा बात करता हूं टू मूव फॉरवर्ड,
आप मुंबई पे स्टक रहना चाहते हैं, वो 1971 पे स्टक रहना चाहते हैं, वो टू नेशन थ्योरी पे स्टक रहना चाहते हैं, आप मुगलों के जुल्मों पे उनके जुल्म के ऊपर स्टक रहना चाहते हैं, हाउ यू मूव फॉरवर्ड, मेरा ये क्वेश्चन है। डिप्लोमेसी में, चीजों में, दुनिया जो आगे जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप 16वीं सदी 15वीं सदी पे मुगलों के जुल्म पे रहना चाहते हैं जो आके वो मदरों को कराते रहे, तो फिर आपकी मर्जी है। यू कैनॉट अचीव टू बिकम सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। ये कल के इंटरव्यू में जो उन्होंने राजकोट गुजरात के अंदर इंटरव्यू जो दिया, उस वहां डॉक्टर जयशंकर साहब जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की बातें कर रहे हैं छठे मेंबर बनने की। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि यू हैव कम सो फॉर, यू हैव कम सो फार, यू हैव कम सो फार, लेकिन अभी तक आपको एक रीजनल पावर करने के लिए भी जो मैं आपकी दुश्वारियां आपको आज बता रहा हूं, जो दुश्वारियां आपके लिए खड़ी, आपने डॉक्टर जयशंकर साहब ने कल फरमाया है कि जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी तो 50 कंट्रीज थे, 50 ममालिक थे जब यूनाइट, आज 193 मुल्क बन चुके हैं, 193 मुल्कों को छोड़ दें आप, मैंने कंट्री वो गिने हैं जो आपके आसपास है। आज मैं ये बात बिल्कुल कहूंगा जो मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि भारत के साथ आपके रिलेशनशिप खराब है, अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशनशिप, ईरान के साथ, चाइना के साथ, इन सारे मुल्क तो नहीं ना बेवकूफ हो सकते, आप ही बेवकूफ हो गए। यही अब फार्मूला मैं डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछना चाहूंगा आज। नेपाल आपको छोड़ के चाइना के कैंप में चला गया है, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा है, बांग्लादेश से नारा लग चुका है बायकॉट का, मालदीव जा चुका है, पाकिस्तान पहले ही चाइना के पास है, आज अगर इंडोनेशिया भी चला गया वहां पे, आपका क्या प्लान है? आप हाउ यू गोना मूव फॉरवर्ड विद इट? आप किस तरीके से आगे 193 छोड़े पड़ोसियों के साथ क्या करेंगे आप? अगर आज मैं ये पूछूं कि ये सारे मुल्क गलत होके गलत जा रहे हैं, ये सारे ही पैसा ले रहे हैं जाके चाइना से, तो इसका जवाब तो आपको मैं तो नहीं दे सकूंगा। अल्टीमेटली यू आर, आपने अगले दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर साहब ने फरमाया 36 साल उन्होंने फॉरेन सर्विस को दिए, 36 साल। अल्टीमेटली ही मस्ट हैव सम काइंड ऑफ प्लान बी, मस्ट हैव कि इनको आगे लेके किस तरीके से जाना है। मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान के अब हवाले से आप बात कर रहे थे कि चीमा साहब आपने क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम क्या बैठे ही रहेंगे, आप बैठे ही रहेंगे, उसकी वजह ये है कि भारत के पास भी सोर्सेज रिसोर्सेज हैं, वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, साथ जो भाईजान टीटीपी वाले हैं वो भी मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, एक साइड से बलूचिस्तान वाले भाईजान जो है वो भी मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, आप तो बस खड़े हैं इस तरह जिस तरह आपको शायद पता ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। कल एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वो किसी ने उसमें बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा इमरान खान की वीडियो प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक हो रही है, नवाज शरीफ की बातें लीक हो रही हैं, बलूचिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उनका पता ही नहीं किसी को, अब कहां बैठे हैं आज की। मैं चले, अब मैं थोड़ा सा आ गया मुर्शिद साहब की बात कर ही ले, मैं तो कर उसको बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ। मुर्शिद साहब ने कहा था कि मेरी बीवी का जो मुआयना है वो मेरी मर्जी के डॉक्टर कराए, साथ ही केपीके के डॉक्टरों ने लेटर लिख दिया था चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि हम मैडम का पिशावर से मुआयना कराएंगे। इनका फेवरेट डॉक्टर जो है, देखें सोच माइंडसेट, देखें आप कहां जा रहे हैं, व्हाट इज योर डायरेक्शन, डॉक्टर इमरान खान साहब का पसंदीदा डॉक्टर जो है, मेरा ख्याल इमरान उनका नाम है या क्या, जो आए हैं वो पिम से, मैडम का आके चेक, उन्होंने चेक किया, उनका कोई जहर नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं उनका, उन्होंने हालांकि इनका पेट भी खराब नहीं, बाहर निकल के उन्होंने अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मीडिया को बताया है ये कि कुछ भी नहीं, जहर नहीं है। अब हुआ उसका दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।